हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अगर आप फ्री फायर मैक्स में गेम खेलते हैं और उसमें आपके मोबाइल में बैकग्राउंड रिस्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा होगा तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। मैं इससे पहले फ्री फायर में जो बैकग्राउंड रिस्टार्ट का प्रॉब्लम आता था उसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों का, लगभग 90% लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो फ्री फायर मैक्स का भी आपका बैकग्राउंड रिस्टार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और साथ ही साथ आप सभी को पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल में ऐसा बैकग्राउंड रिस्टार्ट का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि यह प्रॉब्लम हम लोग के मोबाइल में क्यों आ रहा है। तो ये बैकग्राउंड रिस्टार्ट का सबसे बड़ा रीज़न होता है हम लोग का रैम, जो रैम रहता है ना हम लोग के मोबाइल में, वो अगर फुल हो जाता है तब उसको क्लियर कर दिया जाता है बैकग्राउंड से। तो बैकग्राउंड में जितना भी एप्लीकेशन रहता है वो रहता है हम लोग के रैंडम मेमोरी में, मतलब रैम मेमोरी में रहता है, ठीक है। तो अगर रैम फुल हो गया, जैसे कि हम फ्री फायर अपना ओपन किए हुए हैं और उसके बाद कोई और एप्लीकेशन हम ओपन कर लेते हैं, तो फ्री फायर तो हम लोग का रैम मेमोरी में था और उसके बाद हम लोग दूसरा एप्लीकेशन किए, ये भी हम लोग के रैम मेमोरी में रहेगा, लेकिन रैम का फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा जो रिसेंट का एप्लीकेशन रहेगा जो ओपन है, उसको पहला मेमोरी मतलब देना, ठीक है। तो बैकग्राउंड में जितना भी रहेगा, अगर रैम फुल होता है तो बैकग्राउंड में जितना रहेगा वो सबको ये क्लोज कर देगा, क्योंकि हम लोग का रैम मतलब जो रिसेंट में रहता है उसी को ध्यान में रखता है। तो इसी वजह से हम लोग के मोबाइल में बैकग्राउंड रिस्टार्ट का प्रॉब्लम आता है। तो ये अधिकतर यार लो एंड डिवाइस में आता है, जैसे कि 4 GB से कम वाले रैम वाले मोबाइल में ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 4 GB से ज़्यादा है, अगर आपके में 6 GB रैम है या फिर उससे भी ज़्यादा है, तब आपके में बैकग्राउंड रिस्टार्ट का प्रॉब्लम नहीं आता होगा। और अगर आता भी होगा तो उसका कारण कुछ कुछ सेटिंग होता है, मतलब हर मोबाइल में बैकग्राउंड से रिसेंट एक्टिविटी को क्लोज करने का कुछ कुछ सेटिंग होता है, तो वो सभी को ऑफ कर देंगे तो आपका हाई डिवाइस में आता होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि लो एंड डिवाइस के लिए सॉल्व कैसे करना है और उसके बाद फिर देखेंगे अगर आपके पास अच्छा खासा डिवाइस है जिसमें अच्छा रैम है उसके बाद भी उसमें सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसको कैसे करना है। और अगर आपके पास 4 GB रैम से कम वाला मोबाइल है तब उसके लिए कोई सलूशन नहीं है यार, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता आप सभी को, क्योंकि वो सॉल्व नहीं होगा। फ्री फायर में भी बैकग्राउंड रिस्टार्ट का प्रॉब्लम आता है और ये तो मैक्स वर्जन है, मतलब उससे भी हाई एंड है, तब इसमें बैकग्राउंड रिस्टार्ट का प्रॉब्लम आ ही जाएगा। तो 4 GB मतलब 3 GB तक रैम होगा ना, तब आपके बैकग्राउंड रिस्टार्ट हो ही जाएगा। तो अगर 4 GB या फिर उससे ज़्यादा का है तब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आपको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एक मैं बहुत ही अच्छा तरीका आप सभी को बताता हूँ। आपको अपने फ्री फायर मैक्स को आपको यहाँ पर लॉन्ग टैप कर लेना है। मैं मैक्स यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया हुआ हूँ, लेकिन तरीका आपको मैक्स का ही बता रहा हूँ मैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, उस बात को आपको ध्यान नहीं देना है। तो आपको फ्री फायर को लॉन्ग टैप करना है और उसके बाद अगर आपके पास रेडमी का मोबाइल होगा तो सेम टू सेम सेटिंग आपको मिल जाएगा, अगर रेडमी नहीं है तब भी ढूंढने का कोशिश कीजिए अगर ऐसा सेटिंग मिलता है। तो जब आप फ्री फायर मैक्स को लॉन्ग टैप करेंगे तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे ऐप इन्फो में। ऐप इन्फो में आने के बाद यहाँ पर आपको बैटरी सेवर करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसको आपको क्लिक कर लेना है और बैटरी सेवर में से आपको नो रेस्ट्रिक्शन में चले जाना है, इसको नो रेस्ट्रिक्शन में क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास रेडमी होगा तो सेम टू सेम मिल जाएगा और आपका काम बन जाएगा। तो इसको नो रेस्ट्रिक्शन करने से क्या होगा, हम लोग का बैटरी सेवर मोड में रहेगा, तब हम लोग का फ्री फायर मैक्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, वो सबसे ज़्यादा रैम को यूज कर पाएगा। और उसके बाद ऐसे ही जितना भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल है, जैसे कि मेरे में फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ये सभी को आपको ऐप इन्फो में जाना है और बैटरी सेवर में जाना है और उसके बाद रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एप्स ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। फ्री फायर बस को नो रेस्ट्रिक्शन करना है और बाकी सभी एप्लीकेशन जितना भी इंस्टॉल है सभी को रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एप्स ये सभी कर देना है, बाकी सभी एप्लीकेशन को, ठीक है, एक एक करके आपको अमेजॉन को भी कर देना है, ऐसे ही सभी एप्लीकेशन जितना भी इंस्टॉल है सबको कर देंगे तो आपको 100% बेनिफिट नज़र आएगा और बैकग्राउंड रिस्टार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जब भी आप फ्री फायर गेम खेलेंगे तब आपको यहाँ पर पावर सेविंग मोड ऑन करना है अपने मोबाइल से, अगर रेडमी का होगा तो ऐसे ही सेम टू सेम होगा, बैटरी सेवर मोड आपको ऑन करके फ्री फायर गेम खेलना है। फ्री फायर बहुत अच्छे से चलेगा, स्मूथ चलेगा, उसको नो रिस्ट्रिक्शन पे हम लोग पहले ही सेट कर चुके हैं और बाकी सब जितना भी एप्लीकेशन है वो सब रैम को हम लोग का कम यूज करेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपके पास 4 GB रैम वाला मोबाइल है तो दूसरा आपके लिए टिप्स ये रहेगा दोस्तों कि आपको कम से कम एप्लीकेशन रखना है अपने मोबाइल में, मतलब
जितना भी एप्लीकेशन है आप इंस्टॉल किए हैं बाहर से वो सब को आप डिलीट कर दीजिए, जिससे वो सब रैम को यूज नहीं करता। आप सोच रहे होंगे यार कि हम लोग का एप्लीकेशन बस है और रैम मतलब ओपन करेंगे तभी वो रैम को यूज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें देख लीजिए मेरे मोबाइल में अभी मेरा रैम बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, आधे से ज़्यादा भरा हुआ है। तो ये रैम इसीलिए भरा है क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन है, सभी एप्लीकेशन रैम को यूज करते रहता है, वो सब प्रोसेस होते रहता है। तभी तो हम लोग के व्हाट्सअप में कोई मैसेज भेजता है तो वो मैसेज हम लोग तक पहुँच जाता है, क्योंकि व्हाट्सअप भी प्रोसेसिंग में रहेगा ना, रैम में रहेगा, तभी जा करके उसको पता चलेगा व्हाट्सअप को कि कुछ मैसेज आया है। जब तक वो प्रोसेस में नहीं रहेगा तब तक उसको पता कैसे चलेगा। तो ऐसे ही जितना भी एप्लीकेशन रहता है वो सब रैम को यूज करते ही रहता है। तो कम से कम एप्लीकेशन आपको रखना है जिससे आपका रैम फ्री रहेगा और आपका बैकग्राउंड रिस्टार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आपको अपने मोबाइल को डेली के डेली रिस्टार्ट करते रहना है, और हर गेम खेलने से पहले आप रिस्टार्ट करके देख सकते हैं, उससे भी आपका रैम फ्री होता है, बहुत ही ज़्यादा रैम फ्री हो जाता है, तो उससे आपका बैकग्राउंड रिस्टार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और दूसरा बात यार, आपके में प्रॉब्लम आ ही रहा होगा ना, तो आप अपने मोबाइल को एक बार फॉर्मेट कर लीजिए, मतलब कंप्लीटली रीसेट कर लीजिए, और जितना भी प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिलेगा कंपनी वाला वो सबको आपको अनइंस्टॉल करना है। तो इससे आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएगा और फ्री फायर मैक्स को आप इंस्टॉल कीजिए और आपका फ्री फायर बहुत स्मूथली चलेगा और बैकग्राउंड रिस्टार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा मोबाइल है, मतलब 6GB या फिर 8GB का रैम दिया गया है, उसके बाद भी आपके में ऐसा प्रॉब्लम आ जा रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेटिंग को ध्यान रखना है। आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे चले जाना है, जो मेन सेटिंग होता है उसमें। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर सर्च में आपको सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरे में डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर मिल चुका है। तो अगर ऐसा सेटिंग आपके में है तो उसको आपको क्लिक कर लेना है, अगर नहीं है तब कोई बात नहीं, फिर आपको आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सेटिंग से रिलेटेड। लेकिन अगर डेवलपर ऑप्शन आपको मिलता है, आपके में इनेबल है, तो आपको एक सेटिंग को ध्यान जरूर रखना है। आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एप्स के अंदर आपको मिलेगा एक ऑप्शन। ये एप्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डोंट कीप एक्टिविटीज, तो इसको आपको बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है। ये ऑन अगर होगा आपके में, एक बार जाकर के आप चेक कीजिए, अगर सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा, मतलब ये ऑन हो चुका होगा गलती से, तो इसको आपको ऑफ करना है। डिस्ट्रॉय एवरी एक्टिविटीज एज सून एज पॉसिबल, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब जितना जल्दी हो सके हम लोग के एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, मतलब रिसेंट से हटाया जाएगा। अगर फ्री फायर को हम बेक करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा ये सेटिंग, तो इसको आपको ऑफ करके रखना है, ये कभी भी ऑन नहीं होना चाहिए। तो अगर सेटिंग में प्रॉब्लम होगा तो यही हो सकता है। तो डेवलपर ऑप्शन अगर आपके में दिख रहा होगा तो इसको एक बार आपको चेक कर लेना है। अगर डेवलपर ऑप्शन ही आपके में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके में ये सेटिंग ऑफ ही होगा। तो दोस्तों ये सभी टिप्स को आप अपनाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और फ्री फायर मैक्स अभी अभी आया है, मुझे कुछ नया तरीके का पता चलता है, तो उसको लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और बेल आइकॉन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।